तीन खेती कानूनों खिलाफ चल रहे किसान अंदोलन दौरान शहीद होए 220 किसानों के परिवारक मैंबरों को पंजाब सरकार नौकरी देने जा रही है। इस गल का खुलासा कांग्रेस के सीनियर आगू ते बुलारे राजकुमार वेरका ने किया। उन्होंने कहा कि किसान अंदोलन दौरान दिल्ली ते हरियाणा विच शहीद होए किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने लई सूची तैयार की जा रही है। इस संबंधी सारे जिलों के डिप्टी कमिश्नरों नूं अजिहे परिवारों की भाल करके नौकरी लई सूची तैयार करने लई कहा गया। राजकुमार बेरका ने कहा कि कई किसान दिल्ली ते हरियाणा की धरती उत्ते शहीद होए अते हरियाणा सरकार ने पीड़ित किसान परिवारों नाल हमदर्दी नहीं की अते ना ही पीड़ित परिवारों नूं कोई मुआवजा दिता गया। बेरका ने कहा कि पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा किसानां दे नाल खड़े रहे हन। ध्यान रहे कि किसान अंदोलन दौरान शहीद होने वाले किसानां दे परिवारों नूं पंजाब सरकार वालों 5-5 लाख रुपए की मदद भी दिती जा रही है। ध्यान रहे कि इस तों पहलां श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी वड्डा वादा कीता सी। उन्हां कहा सी कि जेकर पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल अते बसपा गठजोड़ की सरकार बनती है तो खेती कानूनों खिलाफ चल रहे अंदोलन दौरान शहीद होए किसानों के परिवारक मैंबरों को नौकरी दी जाएगी। सुखबीर ने कहा सी कि उन्हां दी सरकार बनन तो बाद पहली कैबिनेट मीटिंग विच इस फैसले उत्ते मोहर लगा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट प्रवासी टीवी। Please subscribe Pravasi TV and press the bell icon.